प्रश्न नंबर है हमारा 22 है, ये चित्र नंबर 22 है। तो देखिए इसमें ये एलिवेशन है, ये एलिवेशन है, ये सारा एलिवेशन में आएगा। तो हम सबसे पहले देखना कॉमन लाइन, जो लाइन इसमें भी है एलिवेशन भी साइड में भी है और एलिवेशन में भी है, ये लाइनें कॉमन है एलिवेशन साइड में भी है। और ये कितनी ऊंचाई के ऊपर है, 35-35 के ऊपर है, ये 35 है, ये भी 35 है। तो ये 35-35 के ऊपर हम पहले इनको लगाएंगे, एलिवेशन भी लगानी है और साइड में भी लगानी है। साइड में कुछ लाइनें हमें बाद में मिटानी पड़ेंगी, पहले आप देखिए कैसे लगानी है। ये देखिए अब हमने यहाँ से ये 10 का पैमाना लगाया, 35 के ऊपर निशान लगा दिया, ये 35 और ये भी 35 के बाद ये 70 के ऊपर निशान लगा दिया। अब इसके नीचे की तरफ को 2 सेंटीमीटर लगा लेंगे, ऊपर भी 2 सेंटीमीटर छोड़ देंगे। सबसे पहले यहाँ से ये 10 का पैमाना है, ये ऐसे इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ से 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया ऊपर, ये 1 और ये 2। ये जो 2 सेंटीमीटर हर जगह दो दो ही लगना चाहिए, ये 1 और ये 2, ये अलग अलग नहीं लिखना चाहिए, ऐसे 2 2 सेंटीमीटर के निशान लगा दें। ऐसे एलिवेशन में तो ये लाइन आपने डायरेक्ट लगा देनी है, यहाँ पर डायरेक्ट लगा देनी है, लेकिन ये जो साइड है, ये जो आपकी साइड है, यहाँ लाइन थोड़ी हल्की रखें, अभी अभी कुछ लाइनें हमें मिटानी पड़ेंगी, हल्की रखें, हल्के हाथ से पेंसिल चलाएँ। और इधर एलिवेशन में तो आपने डायरेक्ट लगा देनी है, तो 2 2 सेंटीमीटर के गैप के ऊपर अभी ये लाइनें आपने लगा देनी है। इधर वाली लाइन हल्की लगानी है आपने 2 सेंटीमीटर की, ये वाली लाइन हल्की रखनी साइड में, और ये लाइन आपने डायरेक्ट कर लेनी है। अब देखिए आगे ये लाइनें हमने 35-35-35 लगा के नीचे की तरफ 2 काट दिया, ये भी 35 काट के पूरा नीचे की तरफ 2 काटा हुआ है। अब अगला स्टेप लेंगे हम, अब देखेंगे ये आगे से 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। ये हम एलिवेशन की बात कर रहे हैं, एलिवेशन में जो हमें करना है, इधर इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, ये भी 5 है, हमने सामने 5 है। तो ये आपने अब इकट्ठी लगानी है, यहाँ से 5 काट लेना है आपने, और प्लान में भी आपने नीचे से 5 काटना है, ऐसे इकट्ठी लाइन लगा लेनी है। तो अब मैंने ये 5 के ऊपर निशान लगा लिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे 5 पे निशान लगाया हुआ है, और प्लान में यहाँ भी लगा लिया है 5 का, यहाँ भी लगा लिया है, और यहाँ मैंने 5 का सेंटीमीटर का लगा लिया है, क्योंकि ये जो हमारी पूरी पट्टी है 5 सेंटीमीटर की है, ये साइड में ये पूरी 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 का है, तो मैंने इस पॉइंट पे भी 5 लगा लिया है। तो हम इकट्ठी लाइनें लगा लेंगे। अब देखिए स्टार्ट करते हैं लगाना, अब यहाँ से रखा फुट्टा बना, और ये लाइन इसी के बीच में डालनी है, पूरे में लानी है, 2 सेंटीमीटर के बीच में रखनी है ऐसे, और प्लान में ये लाइन आपने डॉटेड ले जानी है, सारे में ले जानी डॉटेड, ऐसे छोटे छोटे डॉट लगाने हैं जैसे आपको सिखाए गए हैं, आराम से छोटे छोटे डॉट लगाने हैं। तो यहाँ 5 में पूरे में आ जाएंगे, इसी तरह दूसरे पॉइंट पे चले जाएँ, इधर भी यहाँ भी 5 पे निशान लगाया हुआ है, ये भी, ये लाइन भी आपने डायरेक्ट करनी है, एलिवेशन में लाइन डायरेक्ट आएंगी, बीच में आनी है, सारे में नहीं आनी है, ऐसे इसमें डायरेक्ट करें इसको, और यहाँ पे आपने इसको अब डॉटेड लगाना है, ऐसे में डॉटेड लगा दें इसको। अब आपने इस पॉइंट पे आना है, ये यहाँ भी आपने 5 लगाया हुआ है, और यहाँ भी 5, और ये पूरे में लगी हुई पट्टी, पूरी पट्टी है, इसको पूरी में लगा देना ऐसे ऐसे, और यहाँ भी आपकी ये पट्टी लगी हुई 5 की, इस पॉइंट पे भी यहाँ से ये 5 काटा हुआ है, तो यहाँ भी आप इसको 5 वाले को 5 के साथ मिला दें ऊपर नीचे बराबर, तो यहाँ ये लाइन लग जाएगी। अब आगे देखें, थोड़ी स्केल लंबी है ये, अब देखिए हम ये 5 का फट्टा लगाएंगे अब इसके बीच में, ये जो 5 का फट्टा एलिवेशन, ये 5 है, इधर भी 5 है, ये भी 5 है, बीच में है, पायों के बीच में है। तो ये 5 का फट्टा है, ये देखिए साइड में भी जा रहा है ऐसे, ये साइड में भी जा रहा है, इधर भी ये साइड में जा रहा है, 5 का फट्टा आए पाए के बीच में, ये 5 का फट्टा पाए इधर भी जा रहा है। तो हमने इकट्ठा ही लगा लेना है, साइड में कुछ लाइनें हमें मिटाने पड़ेंगी और लास्ट में मिटाएंगे हम, खैर फिलहाल लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से 5 काटेंगे, यहाँ से भी 5 काटेंगे, और यहाँ से 5 काटेंगे, इधर भी 5 काट लेंगे, यहाँ भी 5 काट लेंगे, और यहाँ भी 5 काट लेंगे, और इकट्ठी लाइनें लगा लेंगे। अब हमने 5-5 के निशान लगा लिए हैं, अब इनको हम मिला लेंगे साइड में। आपने ये लाइनें थोड़ी हल्की रखनी है,
यहाँ आप इसको लाइन को पक्का कर लें, 5 सेंटीमीटर लाइन लगाई है, और यहाँ चूड़ के लिए जगह पहले बना लें, 2 सेंटीमीटर के लिए चूड़ लगाएंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ भी आपने चूड़ के लिए जगह बना लें पहले ही, पाए के बीच में 2 सेंटीमीटर, और यहाँ थोड़ी लाइन आप शुरू में डायरेक्ट लगा दें, आपको 30 सेंटीमीटर की लाइन चाहिए, आगे हल्की लगा दें, छोड़ दें इसको, हल्की लगा के छोड़ दें। इसी तरह अगले वाले पॉइंट पे चले जाएँ, नीचे वाले पॉइंट पे, ये भी 5 है, ये 5 को 5 के साथ मिला दिए इधर, और यहाँ भी लाइन खींच देंगे हम, ये एलिवेशन में ये लाइनें आपकी डायरेक्ट आएंगी, और यहाँ आप डॉटेड लाइन लगा लें, यहाँ भी आप बाहर की तरफ डॉटेड लाइन लगा लें, यहाँ भी हमने चूड़ लगानी है, और यहाँ भी हमने चूड़ लगानी है, डॉटेड लाइन लगा लें, और ये लाइन भी आप ऐसे छोड़ दें अधूरी, पूरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगले वाला पॉइंट हमारा, ये भी 5 के ऊपर ही है, तो ये ऐसे लगाएं इसको भी, डायरेक्ट लगा लें, ये भी डायरेक्ट लग जाएगा, और यहाँ डॉटेड लाइन, यहाँ भी आपने डॉटेड लाइन लगानी है, और इसमें ये लाइन आपकी पूरे में डायरेक्ट रहेगी इसके बीच में, और यहाँ भी आपने डॉटेड लाइन लगा लेनी है, डॉटेड लाइन ये चूड़ लगाने के काम आएगी, और ये पॉइंट भी जो चूड़ लगानी है आपने, तो यहाँ भी साथ में ही डॉटेड लाइन लगा लें बाहर की तरफ, ऐसे 2 सेंटीमीटर की लगानी है हमने यहाँ पे, इनको देख रहे हैं हमने कैसे किया हुआ है, ऐसे 2-2 सेंटीमीटर के, अब हर हर पॉइंट के ऊपर जितने भी हमारे पॉइंट हैं, ये ऊपर ये पॉइंट लगे हुए हैं आप देख रहे हैं, इनके सब के ऊपर हमने छोड़ दी है, जब हम इसमें चूड़ लगाएंगे तो सब में चूड़ लग जाएगी यहाँ पे। अब अगला पॉइंट देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक 30 है, ये यहाँ से यहाँ तक भी 30 है, और यहाँ से यहाँ तक भी 30 है, मतलब टोटल ये 90 है, तो 30 यहाँ से यहाँ तक भी 30 है, यहाँ से यहाँ तक भी 30 है, और यहाँ से यहाँ तक भी 30, और टोटल 90 ही है, तो हम क्या करेंगे अब इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से 30 भी निशान लगा लेंगे, या आप ऐसा करिए 30 के ऊपर भी निशान लगा लीजिए, 60 के ऊपर भी निशान लगा लीजिए, ऐसे नीचे यहाँ से 30 मापिए इस पॉइंट से, फिर 60 के ऊपर भी निशान लगा लीजिए, इकट्ठा ही बन जाएगा हमारा काम, ऐसे फूटा रखा और 30 के ऊपर निशान लगा लिया, 30 के ऊपर भी लगा दिया और 60 के ऊपर भी लगा दिया, टोटल ये 90 है हमारे पास। इसी तरह नीचे भी ऐसे करना है आपने, 30 60 90 30, और ये 60, और ऐसे हमारा ये 90 आ जाएगा, तो ये 30 वाली लाइन को 30 के साथ मिला दें ऐसे, ये इसके बीच में लगानी है आपने, ये आपने यहाँ तक निकालनी है, आपने अब इस 30 को कैसे मिलाना, देखिए ये जो आपका 30 है, देखिए ध्यान से देखिए इसको ज़रा, इस 30 पॉइंट को ऐसे रखा, और ये यहाँ से डायरेक्ट मिलेगा, वो ये यहाँ तक, नीचे यहाँ तक डायरेक्ट रहेगा, ये 2 सेंटीमीटर का मिटाना पड़ेगा हमें आगे से, ये मिटा देंगे हम, ये मैंने काट दिया इसको। इसी तरह हमारा ये 60 वाला, इसको भी ले लें आप इकट्ठा ही, ये 60 पे गए, हमने 60 पे निशान लगाया हुआ है ये, तो ये सेकंड जो स्टेप है हमारा, यहाँ से इसको ऐसे ले जाए नीचे, और ये भी आपने नीचे गाड़ना है यहाँ तक, जो चीज़ें हमें चाहिए वो ही रखेंगे हम, ये पीछे वाली लाइनें हमें मिटानी पड़ेंगी, ये चाहिए हमें आगे की लाइनें। अब देखिए कैसे कैसे क्या करना है, अब यहाँ इसको देख रहे हैं अब आप, इधर की तरफ को ये 5 है, इधर को हमने 5 लेना है, ये 5 है इधर से, इधर को भी 5 है, ये हमने लगा लिया है, 2 रह गए हमें लगाने के लिए साइड में, अब ये यहाँ से यहाँ तक 5 लेंगे, यहाँ से यहाँ भी 5 लेंगे, ये जो 30 वाली लाइन है ये नीचे भी घूम जाएंगी आपकी, आप इनको नीचे भी ले जाएँ, बहुत प्रोजेक्शन आएंगे इसके, तो इनको आप नीचे भी उतार दें ऐसे, जब आपने लगाने हैं तो इकट्ठी लगा लें इनको, 30 और 60 वाली जो लाइनें हैं ऐसे। अब आपने प्लान के बीच में भी क्या करना है, आपने ऐसे ही ये भी 90 का है टोटल, तो यहाँ भी आपने 30 और 60 के ऊपर निशान लगा के, ये जो आपके प्रोजेक्शन ऊपर से आए हुए हैं अब 30 और 60 वाले, ये और इनको आपको उसमें डार्क मिला देना है, ये आपके डार्क मिल जाएंगे सीधे पूरे एंड टू एंड, ऐसे पूरे मिल जाएंगे ऐसे, और ये भी आपका इसके साथ मिल जाएगा, ये डार्क मिलाने हैं प्लान के बीच में, ये डार्क रहेंगे ऐसे, इनको यहाँ से मूव कर दो थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा टर्न कर दो इसको भी, और नीचे वाले को भी
ऐसे इनको थोड़ा टर्न कर। अब यहाँ से 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और इधर से भी 5 सेंटीमीटर काटना है हमने। अब यहाँ रखें, मैंने कहा अब ये लाइन हमने यहाँ तक मिलानी है और ये नीचे तक मिलानी है, यहाँ तक ये इसको चले जाएँ और ये लाइन पूरे में मिला दें ऐसे ऐसे, और इसी तरह ये यहाँ से तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक भी 5 है, तो ये इसके साथ मिला दें। अब ये जो आपके बीच की लाइन है, ये जो पीछे की लाइन है आपकी, ये आपकी रफ हो जाएंगी, ये लाइनें आपने मिटा देनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये आगे की ही लाइन चाहिए, ये लाइन आपने मिटा देनी है इधर से आगे से, ये आपने फिनिश करनी है इधर से, ये इसके बीच में से मिटा देनी है, आगे से भी मिटा देनी है, ये नहीं चाहिए अब आपको, ये बीच में से रफ कर लें बाद में इसको डार्क करने से। देखें ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को देख लें, अब ये लाइन आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ऊपर तक ऐसे, ये ऐसे क्रॉस कर जाएगी ऊपर वाली लाइन को, ये लाइन आपकी ऐसे मिल जाएगी आके, और ये नीचे की लाइनें भी आपकी, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ऐसे अच्छे से, ये लाइन आपकी यहाँ आ जाएगी, नीचे गड़ जाएगी इसके ऊपर, ये लाइन रहेगी आपकी, लेकिन ऊपर वाली ये कट जाएगी, ऊपर ये जो आपने 2 सेंटीमीटर की लगाई है ये कट जाएगी, इसके आगे रहेगी और ये इसको काट देगा इधर जाके। इसी तरह हमारा अगला स्टेप बनना है, ये लाइन आपकी डायरेक्ट रहेगी इसके बीच की, और यहाँ भी आपके पास चूड़े बढ़नी है, सारी चूड़े सभी में बढ़नी है इनमें, ये लाइन आपकी इसके बीच में डायरेक्ट रहेगी यहाँ। अगला स्टेप, अगला जो काम है ना, अगला जो हमारा सेकंड पार्ट बनेगा उसमें आपको पूरा प्लान बना के दिखा देंगे जी, जो भी इसमें कमी रहेगी वो अगले अगले में पूरी हो जाएगी।